कोकिला लता मंगेशकर ने जिस तरह से हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के महान म्यूजिक कंपोजर राम लक्ष्मण को श्रद्धांजलि अर्पित किया, मालूम चलता है कि लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं राम लक्ष्मण के चले जाने से। ये पोस्ट शेयर कर लता मंगेशकर ने दुख जाहिर किया है और कहा, मुझे अभी पता चला कि बहुत गुणी और लोकप्रिय संगीतकार राम लक्ष्मण जी, विजय पाटिल जी का स्वर्गवास हुआ है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनके कई गाने गाए जो बहुत लोकप्रिय हुए, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस तरह से राम लक्ष्मण को जो है सो विदाई मिल रही है। राज बंसल ने भी ऐसी ही ट्वीट करते हुए लता मंगेशकर की तरह अंतिम विदाई राम लक्ष्मण को दी। उन्होंने कहा, बीती रात नागपुर में 69 की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके मेलोडीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है। फिल्म हमसे बढ़कर कौन, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, पत्थर के फूल जैसे फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक कंपोज कर हर किसी का दिल जीता था। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही लता मंगेशकर की सिस्टर उषा मंगेशकर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है राम लक्ष्मण को, ये कहकर कि प्रतिभाशाली संगीतकार राम लक्ष्मण, जिनका रियल नेम विजय पाटिल जी हैं, उनके निधन की खबर से मैं बहुत व्यथित हूँ। उनका पहला गीत मैंने गाया और सबसे ज़्यादा गाने मैंने गाए। दादा कोडंके जी की फिल्मों के सभी गीत मैंने गाए जो बहुत लोकप्रिय हुए। उनका संगीतबद्ध किया दिल दीवाना ये गाना मुझे बहुत पसंद था। ऐसे में राम लक्ष्मण के जाने से वाकई में इंडस्ट्री पूरी तरह से दुखी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।